नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण शर्मा है। आप मुझे सुन रहे हैं ऑल इंडिया चिल्ड्रंस एजुकेशनल ई कंटेंट कंपटीशन के अंतर्गत पॉडकास्टिंग के माध्यम से समावेशी शिक्षा का अभियान शिक्षकों के लिए। इस कड़ी में टाइटल ऑफ द प्रोग्राम इन इंग्लिश लैंग्वेज, मूवमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन थ्रू पॉडकास्टिंग, लेसन फॉर टीचर्स। आइए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी विशेष रूप से सक्षम बच्चों को ध्यान में रखकर ऑडियो के माध्यम को सही तरीके से पूरी दुनिया में अपनी शिक्षण सामग्री को कैसे पहुंचा सकते हैं, कैसे समावेशी शिक्षा को नए आंदोलन के रूप में आप शुरू कर सकते हैं, ये यात्रा करते हैं। यह पॉडकास्ट शिक्षकों का परिचय शैक्षणिक पॉडकास्ट की उभरती विधा से करवाएगा, साथ ही महत्व बताते हुए उन प्लेटफॉर्म्स की जानकारी देगा जहां आप अपने पॉडकास्ट्स को वितरित कर सकते हैं बिना खर्च के। मूल रूप से यह पॉडकास्ट आपको एक ट्यूटोरियल लगेगा, परंतु यह अलग है। ये ऑडियो में है, आप सुनते जाएं और सीखते जाएं, बस एक नई शुरुआत। हम कंठ की परंपरा के लोग हैं, चाहे हमारे वेद हों या लोक कथाएं, सब वाणी के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा है। यह भी कहना गलत नहीं होगा कि हम सुनकर सीखने में विश्वास रखते हैं। शिक्षण में तो श्रुति स्मृति का अटूट संबंध है ही, आप इन्हें अलग कर ही नहीं सकते। चाहे स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, हर जगह हम ये मानते हैं कि श्रवण से ही अध्ययन आरंभ होता है। आज जब शिक्षकों को अपने अस्तित्व की लड़ाई कक्षा में ही लड़नी पड़ रही है, कुछ नया और मजबूत करने की आवश्यकता है। आप और मैं शिक्षक होने के नाते वास्तविकता को नकार नहीं सकते, ये भी नहीं कह सकते कि हम बदल तो रहे हैं। इसका कारण यह है कि हम जो भी कर रहे हैं, जिस भी तरीके से सिखा रहे हैं और उसका जो भी परिणाम आ रहा है, वह सब हमारे विद्यार्थियों में दिख जाता है। समाज को समावेशी बनाने के उद्देश्य से हमने आज तक जो भी प्रयास किए हैं, उनमें नवाचार और तकनीकी का संगठित एवं तर्कसंगत उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ समावेशी शिक्षण की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब यह संभव नहीं है कि हम शिक्षा को भेदभाव से प्रदान कर सकें। हमें सबको पढ़ाना है, सबको मतलब सबको, यहाँ तक कि उम्र भी इसमें कोई आधार नहीं है। और कमाल देखिए, अचरज है कि सबको सब तरीकों और संसाधनों से जोड़ के रखना है। समावेशी नवाचार हमारा इस सदी का लक्ष्य हो सकता है शिक्षण में। समावेशी नवाचार, आप क्या नया कर सकते हैं, विशेषकर विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए। ये बात करते हैं, मैं भाषा पढ़ाता हूँ अंग्रेजी, साथ ही संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स भी। यह पॉडकास्ट हिंदी में है ताकि अधिकतम शिक्षक इसे सुन पाएं और ये ना समझें कि टेक्नोलॉजी का सब कुछ केवल इंग्लिश में कुशल लोगों के लिए ही अधिकृत कर दिया गया है, आरक्षित कर दिया गया है। हम आज बात करने वाले हैं ऑडियो माध्यम की, रेडियो। जब आपने पहली बार सुना होगा तो मैं यह कह सकता हूँ कि देखा भी होगा, परंतु क्या आप हमेशा रेडियो सुनते हुए ही उसे देखते हैं? नहीं, आप अपनी कुशलता से अपना काम भी करते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। आपने जब उन बच्चों को पढ़ाया होगा या सिर्फ देखा भर होगा जो देख नहीं पाते, दृष्टि नहीं है, तो आप क्या सोचते हैं? इन्हें अधिकार तो है ना सीखने का, पर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो केवल ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता हूँ या पढ़ने के लिए नोट्स दे सकता हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मेरे दिव्यांग छात्र अपने अध्ययन में प्रयोग कर सकें और इतना सीख सकें कि विषय का अच्छा ज्ञान हो जाए। आप सभी टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, बोलते तो हैं ही और अच्छा भी बोलते हैं। आपकी आपके विषय पर जो पकड़ है और जो हक है, उसको लेकर मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता। पढ़ाना आप जानते हैं, परंतु कुछ नया जो मुझे सीखने को मिला वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आइए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी विशेष रूप से सक्षम बच्चों को ध्यान में रखकर ऑडियो के माध्यम को सही तरीके से पूरी दुनिया में अपनी शिक्षण सामग्री कैसे पहुंचाने के लिए प्रयोग करें, कैसे समावेशी शिक्षा का ये नया आंदोलन आप शुरू कर सकते हैं, यह यात्रा करते हैं। आप खूब सारा अच्छा कंटेंट जो बनाएंगे वो सबके काम आएगा, और बीएड करते हुए हम में से सबने आईसीटी पढ़ा तो है। प्रयोग
अब करेंगे। आप स्पॉटिफाई, गाना.com, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट नाम की एप्लीकेशंस को जानते हैं। आज हम ये सीख रहे हैं कि आपका बनाया ऑडियो किस तरह से इन प्लेटफॉर्म्स पर पहुंचेगा, ताकि कोई भी कहीं भी इंटरनेट के माध्यम से सुन सके। ये ध्यान रखें, ऑडियो सुनने के लिए वीडियो की अपेक्षा कम इंटरनेट खर्च होता है। जैसे आप YouTube पर सीधे अपने वीडियो अपलोड कर सकते हैं, पॉडकास्टिंग में डिस्ट्रीब्यूटर्स वितरक कंपनी की जरूरत होती है। एंकर, जो कि Spotify का एक हिस्सा है, और दूसरा हब हॉपर, ये दोनों वेबसाइट्स या कहें कि पॉडकास्ट बनाने के प्लेटफॉर्म्स बिना किसी फीस के आपको उपलब्ध हैं। और तो और, आप इन्हीं पर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, वितरण भी। अब बस देर है सीखने की कैसे करना है इन्हें प्रयोग। एंकर, जिसकी वेबसाइट है anchor.fm, और दूसरा है वो है hubhopper.com। आपको सबसे पहले इन पर अपना अकाउंट बनाना है, दोनों में से किसी भी एक पर, दोनों पर नहीं। इसका कारण यह है कि अगर एक ही किताब दो जगह से छपेगी और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो गड़बड़ होगी। आपका ऑडियो पॉडकास्ट एक ही स्रोत से वितरित होगा, अर्थात Spotify समेत अन्य प्लेटफॉर्म्स पर, डुप्लीकेट नहीं। चलिए आज तो एंकर सीखते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आपको एक ईमेल आएगा, आपके अकाउंट को, आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए। वो करना परम आवश्यक है मित्रों। अब मैं आपको 10 कदम चलने के बता रहा हूं एंकर पर, anchor.fm पर अकाउंट बनाने के बाद। आपने वेबसाइट पर या अपने फोन में एंकर की ऐप को प्रयोग करना है। तो ये रहा 10 सूत्रीय ट्यूटोरियल। वेबसाइट पर सीधे हाथ की तरफ सेटिंग्स में जाएं, अपने अकाउंट को लॉगिन करने के बाद, और अपडेट सेटिंग में अपने पॉडकास्ट का शीर्षक और विवरण दें, जैसे किसी पुस्तक का नाम और उसके बारे में कुछ कहें। वहीं नीचे स्क्रॉल करते हुए पॉडकास्ट बनाने वाले अर्थात आप और कोई अपने शो के बारे में कोई तस्वीर, इन सब को सेट कर दें। सेव का बटन ऊपर होता है मित्रों, यहां वो दबाकर अपनी सेटिंग्स को पहले सेव कर लें। बन गया प्रोफाइल आपका, समझिए। दूसरा कदम, अब आप देख सकते हैं कि आपको एपिसोड बनाने के लिए लिखा आ रहा होगा। आप सीधे हाथ की तरफ न्यू एपिसोड पर क्लिक करें और देखें कि वहां दो ऑप्शंस हैं, दो विकल्प हैं, क्रिएट एन एपिसोड और दूसरा है क्विक अपलोड। अगर आपके पास पहले से तैयार ऑडियो है, चाहे वो 30 मिनट का हो, 60 मिनट का हो, आप उसे क्विक अपलोड दबाकर अपने कंप्यूटर से सीधे ही अपलोड कर सकते हैं। आपको एक शीर्षक यानी टाइटल और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अर्थात विवरण देना है, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्क्रॉल करके सीजन और एपिसोड का नंबर चाहे तो डाल सकते हैं। जो तस्वीर आपने अपने शो के लिए दी थी अपडेट सेटिंग्स में, वो नजर आएगी। चाहे तो एपिसोड के मुताबिक नई तस्वीर अपलोड कर सकते हैं। अब तक इंटरनेट का प्रयोग करके आपका ऑडियो अपलोड हो चुका है और आपको बस पब्लिश का बटन दबाकर अपना पहला एपिसोड भेजना है। याद रखिएगा, पहला एपिसोड आप अपना परिचय बना देंगे तो होगा क्या कि आप उसे डिलीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक लेखक के रूप में आपकी पुस्तक पुस्तकालय में पहुंच गई, उसे वापस मंगवा के फिर आप लेखक तो नहीं रह पाते हैं। तो इसीलिए पहला एपिसोड आप चाहें तो अपने बारे में एक छोटा सा परिचय दे सकते हैं। पहला एपिसोड 30 सेकंड का, 2 मिनट का अपना परिचय, उद्देश्य, उसके बाद में बड़े एपिसोड्स आप शुरू कर सकते हैं डालना। तीसरा कदम, अगर आप चाहते हैं कि आप एंकर की वेबसाइट पर ही अपना एपिसोड क्रिएट करेंगे, तो क्लिक कीजिए न्यू एपिसोड के अंतर्गत। वो आपको दिखाएगा रिकॉर्ड, लाइब्रेरी, मैसेज, संगीत, ट्रांजिशंस। जब आप क्रिएट एन एपिसोड पर क्लिक करते हैं, आपको रिकॉर्ड पर क्लिक करके अपना माइक्रोफोन सिलेक्ट करना है, अगर आप अलग माइक्रोफोन प्रयोग करते होंगे तो। ये बस आसान है, रिकॉर्ड क्लिक करके बोलना शुरू, धारा प्रवाह बोलते रहें, जब मन करे स्टॉप कर दें, रिकॉर्ड कर दें। आप चाहें तो बार बार रुक के थोड़ा सा ब्रेक लेके, विराम लेके फिर से रिकॉर्ड कर सकते हैं।
चौथा कदम। अब आप देख सकते हैं कि आपने जो भी रिकॉर्ड किया था या अपलोड किया वो सब लाइब्रेरी में है, वो नीले कलर की लाइब्रेरी, बैंगनी कलर की लाइब्रेरी। आप कहीं भी जाकर किसी भी लैपटॉप या फोन में लॉगिन करेंगे तो आपका संग्रह आपको वहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि आपकी की हुई दोनों रिकॉर्डिंग जो अभी आपने की थी या ज्यादा रिकॉर्डिंग्स वहीं की वहीं आपको दिखेंगी। सीधे हाथ की तरफ एक एपिसोड बिल्डर भी है। आप माउस से या टच पैड से उस ऑडियो को ड्रैग करके या क्लिक करके सीधे एपिसोड बिल्डर में पहुंचा दें। चाहेंगे पांचवें कदम में ये बात बताई जा रही है, आप अगर चाहें तो 10 अलग अलग ऑडियो डाल दें एपिसोड में, उनका क्रम उनको ड्रैग करके बदल सकते हैं। यदि बिल्डर में भेजने से पहले बैकग्राउंड संगीत, बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आपको डालना है तो आप लाइब्रेरी में ही देखेंगे कि ऑडियो के ऊपर एक संगीत का छोटा सा आइकन है, उसे क्लिक करके अपनी पसंद का संगीत बैकग्राउंड में दे सकते हैं। बस याद रखें कि अप्लाई करने से पहले प्रीव्यू जरूर सुन लें कि आपको वह संगीत सही लग रहा है आपके ऑडियो पर या नहीं। छठा कदम। अब जब आपका एपिसोड तैयार है तो यह समय है सेव क्लिक करके पब्लिश वाली स्क्रीन देखने का। फिर वही क्रम, शीर्षक, विवरण, सीजन, एपिसोड नंबर, वो तस्वीर अगर बदलना चाहें, और उसके बाद उसे पब्लिश कर दें। सातवां कदम, याद रखें जब आपका एक एपिसोड अपलोड हो जाएगा तो सेटिंग्स वाले ऑप्शंस में डिस्ट्रीब्यूशन नाम का एक चुनाव, एक विकल्प आपको दिखने लगेगा, जहां जाकर आप अपने शो का स्पॉटिफाई लिंक भी कॉपी करके शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका पॉडकास्ट चैनल स्पॉटिफाई पे पहुंचा दिया गया है अपने आप एंकर के द्वारा। आठवां पॉइंट, इस क्रम में एंकर से स्पॉटिफाई पहुंचने में हर एपिसोड को लगभग 10 मिनट से आधा घंटा तक लग जाता है। कभी कभी आप स्पॉटिफाई पर अपने शो का नाम डालकर उसे ढूंढ सकते हैं और फिर उस शो को आगे शेयर कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप स्पॉटिफाई का लिंक ही अपने सुनने वालों को भेजें ताकि वे एक पॉपुलर ऐप को जो पहले से ही प्रयोग की जाती है उसका प्रयोग कर सकें। अंतिम कदम, दसवां कदम, बस हाथ थाम लीजिए और बिना हिचकिचाहट के चलने लगिए पॉडकास्टिंग पर। इसे और एक्सप्लोर कीजिए, देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं जो आप और अच्छा कर सकते हैं। आप शिक्षक हैं, एक टीचर जिसके पास अपने ज्ञान की ताकत भी है और वो हुनर भी कि वे किसी दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं। बस जरूरत है चलने की इस रास्ते पर जो समावेशी तो है ही सार्थक भी है। टीचर एजुकेशन को समर्पित और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए ऑडियो कंटेंट पॉडकास्ट बनाने की एक मुहिम शुरू करिए और देखिए एक कारवां बन जाएगा। धन्यवाद।